आपका, ये देखिए क्लोज भी हो गया आपका, तो ये आपका कंडीशन है आप। हेलो फ्रेंड्स, मेरा मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो आप जो देख रहे हैं बॉक्सेस, ये आपका वाईफाई आपका ये डोर सेंसर है, ठीक है। ये अब ये काम कैसे करता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका मॉडल नंबर जो आप जो देख रहे हैं, ये आपका HASD33W है इसका मॉडल नंबर, और ये आपका वाईफाई कैसे काम करता है वो आप समझिएगा, ठीक है। कुछ सिंपल सा ये छोटा सा डिवाइसेस है जो मैंने आपको यहाँ लगा रखा है, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम जो रेंजेस है आपका, ये आपने फिक्स लगा रखा है और ये आपका मूव करेगा, ठीक है। जैसे ये क्लोज कॉन्टेक्ट होगा तो ये ब्लू रंग जलेगा, आपका ब्लू लाइट आपका ब्लिंक करेगा, फिर स्टेबल हो जाएगा। ये जैसे मैं आपको इसको हटा रहा हूँ, ये देखिए कितना जल्दी ये काम करता है। जैसे हटाया ये ब्लू काम, ये आपका लाइट ब्लिंक हुआ, और जैसे ही फिर मैं इसे आपको क्लोज कॉन्टेक्ट दूर इसके पास आया आपका पेयर, आपका ये नॉर्मल आपका ये हो गया। सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं इसका नाम, एप्लीकेशन का नाम है आपका, आपका एप्लीकेशन का नाम है आपका इजी कैम प्लस, ठीक है। ये आपका जो आप देख रहे हैं, ये जो आप जो देख रहे हैं इजी कैम प्लस आपका एप्लीकेशन का नाम हो गया आपका। ये आपका गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ प्लस के सिंबल पे आपको ऐड करना है, ठीक है। प्लस पे जब जाएंगे तो आपको ने कैमरा ही आपको आ गया पहला में, आपको लाइटिंग भी नहीं, सेंसर आप यूज़ कर रहे हैं तो सेंसर पे आपको क्लिक करना है। सेंसर में आपका कौन सा मैंने मॉडल बताया था आपको, HASD33W, तो आपको ये सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके घर के वाईफाई है उसको यूज़र आई डी, SSID और पासवर्ड डाल करके आपको नेक्स्ट करना है। जब ये नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ देखिएगा कि लाइट्स जो है आपको ये ब्लिंक करेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको वापस आपको डिफॉल्ट मोड में लिंक किया, नेक्स्ट किया। अब थोड़ा सा ये टाइम लेता है स्कैन डिवाइसेस करने में ये, क्योंकि ये वापस ये जो वाईफाई है इसको आपस में कनेक्ट कर रहा है ये आपको ये डिवाइसेस। और जब ये कनेक्ट जब हो जाएगा तो ये जो गोल आपको जी यहाँ जो सर्किल जो आपको ये घूम रहा है स्कैन डिवाइसेस रजिस्टर एंड क्लाउड और इनिशियलाइज्ड हो जाएगा, और फिर आपको यहाँ पर आपका डन लिखाएगा, डिवाइस सक्सेसफुली एडेड लिख जाएगा। हम वेट करेंगे, इसका टाइमिंग जो अमूमन जो होता है वो 30-35 सेकेंड या मैक्सिमम 1 मिनट तक जा सकता है, ठीक है। इनकेस अगर ये अटैच नहीं होता है इनकेस, तो फिर आपको करना क्या होगा, इस डिवाइस में एक रिसेट बटन भी दिया हुआ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पिन जो है आपका मोबाइल फ़ोन वाले वो डब्बे के साथ आपके साथ आते हैं, तो फिर आपको करना क्या होगा, इसको वापस से आपको डिटैच कर करके ये जो पिन है आपका, ये जो आपके जो बॉक्सेस जो देख रहे हैं, ये आपका ये छोटा सा जो होल आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये आपको यहाँ जब ब्लिंक करेंगे यहाँ पर प्रेस करना है आपको 15 सेकंड तक आपको प्रेस करके रखना है, तो ये आपको ये जो है आपका रिसेट हो जाएगा। ये देखिए ब्लिंक करना शुरू कर गया आपका, बस सर अब आपको छोड़ देना है और वापस से आपको एज इट इज़ माउंट कर देना है। आपको वापस आपको यहीं पे जाना है, सेंसर पे जाना है, ये क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है और ये अटैच हो जाएगा आपका। जब ये अटैच हो जाएगा डिवाइसेस आपको, तो फिर जितना बार आप क्लोज एंड ओपन करेंगे, जितना बार आप क्लोज एंड ओपन करेंगे आपका ये डिवाइसेस आपके मोबाइल फ़ोन पे अलर्ट देगा, डोर हैज़ बीन क्लोज, डोर हैज़ बीन ओपन, तो ये आपको ऑप्शन देता है। ये देखिए अटैच हो गया, अब ये डन लिखेंगे। अब जब ये डन आपका हो गया, वापस से हम जाएंगे, ठीक है, और इसका स्टेटस देखेंगे। जैसे जैसे मैंने बताया आपका स्मार्ट ऑप्शन है इसमें, तो आपको स्मार्ट पे जाना है और इस पर क्लिक कीजिएगा,
तो डिवाइस का इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको आ जाएगा। शेयर करना किसी के मोबाइल फ़ोन पे, तो वापस एज इट इज़ इजी कैम एप्लीकेशन आप पहले इंस्टॉल कीजिए दूसरे मोबाइल पर, ठीक है, उनका यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट कीजिए उनके मोबाइल पर, और उसके बाद फिर यहाँ शेयर करेंगे तो फिर ऐड शेयरिंग का ऑप्शन आएगा। जैसे ये मैंने ऐड किया है, मोर पे करना है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपको। ऐड शेयरिंग पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए ये आपका ऑप्शन आ रहा है, या फिर आपको एडिशनल इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसमें जो लिस्ट में है वो उसके अलावा आपको ऐड करना है, तो जो ये अकाउंट है यहाँ पे अकाउंट क्लिक करेंगे, फिर ये डन का जो हाईलाइट सिंबल है आपका, ये डी हाईलाइट है, हाईलाइट हो जाएगा। जब डन करेंगे तो उनका मोबाइल पर ऑटोमेटिक चल जाएगा। मान लीजिए ये विकास कुमार सिंह सिखा रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये शेयर्ड सक्सेसफुली, तो अब उनके मोबाइल पर जब देखेंगे आप, तो इजी वे में ये देखिए हमने आ भी गया ऑप्शन, ये आपको दिख गया। तो इस तरीके से आपको शेयर करना है, ठीक है, कैसे आपको शेयर करना है मोबाइल पर। उसके बाद होम स्क्रीन पे आपको ये ऐड करना है, तो गो करना है आपको, तो ये आपको होम स्क्रीन पे आपका चला गया, ठीक है। डिवाइस नेटवर्क चेक करना है क्या स्टेटस है, तो ये डिवाइस नेटवर्क जो है आपका थोड़ा सा पुअर दिखा रहा है, अगर अच्छा रहता है तो ग्रीन दिखाता, तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिखाता आपका। तो इस हिसाब से अपना चेक कर सकते हैं कि इंटरनेट पहुंच भी रहा है वहां पर या नहीं पहुंच रहा है, इस हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं। और जो आपके मोबाइल फ़ोन पे जो दिखेगा, ये आपका मॉडल नंबर है आपका, ये आपका जो मॉडल नंबर है ये आपका ऑनलाइन है, वो आपको दिख भी रहा है, और जब भी आप गेट खोलेंगे, ठीक है, ये देखिए ये गेट खुला, ये देखिए डोर अलार्म सेंसर, डोर हैज ओपन लिख दिया आपका, यहाँ पर आपका मैसेज भी आ जाता है आपका, आपको बता रहा था कि ओपन हुआ तो आपको क्लोज आएगा, जब हम क्लोज भी करेंगे तब भी आपको अलार्म देगा, ये देखिए क्लोजिंग रिमाइंडर, डिवाइस टाइप इतना, डोर सेंसर इतना, चेक करेंगे क्या रिजल्ट है इसका, तो ये आपका रिकॉर्ड इसमें आपको है दिख सकता है सारा, कितना बार आपका गेट जो है क्लोज हुआ है, कितना बार ओपन हुआ है। अभी देखिए बढ़ जाएगा एक आपका, अभी मैंने खोला है, देखिए आ भी गया मैसेज, अब आपका ये मैसेज जो है ये देखिए 6:31 ये ओपन भी दिखा रहा है आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसको डोर क्लोज और डोर ओपन दिखा सकते हैं, ये जब जैसे करेंगे ये आपका क्लोज भी हो गया आपका, ये देखिए क्लोज भी हो गया आपका। तो ये आपका कंडीशन है आपका डोर सेंसर चेक करने का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, थैंक यू।